So guys, अभी कुछ टाइम पहले Redmi ने Redmi Note 11T 5G लॉन्च किया, तो Poco वाला बोला भाई अच्छा फोन तो दिख रहा है, चलो इसको कॉपी करते हैं एंड लेके आते हैं हमारे पास। तो उन लोग लेके आ चुके हैं, तो मैं बोला चलो खरीद लेता हूँ, देखता हूँ कैसा फोन है, क्योंकि Poco है तो थोड़ा सा सस्ता निकाला इन लोग ने। चलो खोलते हैं, देखते हैं कैसा फोन है, सारी बात आपको बताने वाला हूँ। सो ही व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस Poco M4 Pro 5G। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस ये 6128 वाला वेरिएंट है, इसका प्राइस कुछ 17,000 है, बट मेरे को ना 16,000 में मिला क्योंकि मैंने SBI का कार्ड यूज किया। एंड ये है उसका बॉक्स, पीछे के साइड में कुछ डिटेल है लाइक डायमेंसिटी 810 90Hz IPS डिस्प्ले, ठीक है, 33 वॉट की चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेट्स ओपन इट। 5G के लिए कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, बेसिकली बात ये है। Poco M4 Pro 5G, सब जगह 5G है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको एक सेशन मिलता है जिसमें सिम कार्ड निकालने वाला जो टूल है वो मिलता है, कुछ पेपर है, छोटे मोटे पेपर वर्क है, एंड वो एक क्लियर वाला सिलिकॉन TPU केस है जो आई थिंक सो सेम टू सेम है जो Redmi Note 11T में मिला था मेरे को। एंड उसके बाद अंदर हमको ये फोन देखने को मिलता है विच लुक्स स्ट्राइकिंग। ओ भाई काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग, तो लुक्स में तो भाई इसके बेजल देखो कंप्लीटली गोल्डन है, गॉड डैम इट लुक्स रियली नाइस। अंदर चलते हैं बॉक्स में, यहाँ पर USB A टू USB C केबल देखने को मिलता है एंड ये 33 वॉट का हमको अडेप्टर देखने को मिलता है। भाई लुक एट दिस फोन, वाओ इट लुक्स सो गुड यार, क्या मस्त दिख रहा है। ये गोल्डन में जो मतलब फिनिश आ रहा है, देखो ये साइड का जो पूरा फ्रेम है ये भी गोल्डन कलर में है, क्या लुक आ रहा है भाई साहब। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस लुक्स गाइस। कवर लगाने का कैसा दिखता है वो देखते हैं। नॉट बैड एक्चुअली, पहले 90Hz पे सेट करो, बाकी 20GB भरा हुआ यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो। सो जब फर्स्ट टाइम आप ऑन करोगे ना गाइस, तो आपको इतने सारे एप्लीकेशंस दिखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा है एक्चुअली। हम क्विकली सेटिंग में जाके अनइंस्टॉल करने का ट्राई करते देखते कितने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होते हैं। सो इसमें इतने सारे एप्लीकेशन हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें अनस्टॉल कर दी हैं, तो भाई यहाँ पर ऑप्शंस तो है अनस्टॉल करने का, विच इज रियली नाइस, अच्छा लगा भाई, और काफी क्लीन UI लग रहा है इस बार, तो ये अच्छी बात है। मैंने इसका जो एक्चुअल वर्जन है दूसरा वाला उसको यूज करके देखा है, तो मैं इसको प्रॉपरली सब टेस्ट वगैरह करता हूँ, फिर आप लोग के सामने लेके आता हूँ भाई कैसा फोन है, सब कुछ बताएंगे। ओके गाइस, तो मैंने इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर ली है, कल से ही मेरे पास है भाई, मैंने अपना सिम कार्ड वगैरह भी डाल के देखा, सारी चीजें पता कर लिया है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाइल से, तो स्टाइल मैंने जैसे बता दिया, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो भाई, इवन आउटडोर में क्या दिखता है भाई, तो लुक में तो भाई लाजवाब है। अगर आपको फ्लैशी चीजें पसंद है तो भाई ये बहुत जबरदस्त है। एंड जो साइड का फ्रेम है, बैक पैनल है, वो पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक की फ्रॉस्टिंग वगैरह बहुत मस्त है, तो काफी स्मूथ है, एंड इन हैंड फील वगैरह भी बहुत अच्छी आती है, एंड जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत मजबूत है, ऐसा कहीं से आपको कमजोर या फिर ऐसा सस्ता फोन फील नहीं होता, तो ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी 196 ग्राम का वेट है एंड वेट बैलेंस वगैरह भी बहुत अच्छे से किया है। आई मीन ये फोन को मैंने काफी कायदे से यूज किया है इस फोन की शक्ल में। ये है Redmi का नोट 11T 5G जो एकदम सेम टू सेम सारी चीजें सेम है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, पीछे के साइड देख लो, चाहे नीचे के साइड देख लो, चाहे साइड में देख लो, मतलब 99.99% सारी चीजें सेम है सिर्फ बैक पैनल के अलावा, तो समझ लो कलर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सिमिलर है भाई दोनों फोन के अंदर। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों फोन के अंदर वही सेम डिस्प्ले है, जैसे मैंने बताया 6.6 इंच की फुल HD वाली IPS LCD डिस्प्ले है। यही एक इसका मेरे को बहुत बड़ा कॉन लगा था जब मैंने वो फोन भी यूज किया था। इसका ब्राइटनेस डिसेंट है, आउटडोर में भी ओके सफिशियंट है, मतलब ऐसा मैं बोलूंगा कम नहीं है, IPS LCD है तो उतना मजेदार नहीं लगता है। मैं ऐसा बोलूंगा कि जो प्राइस में आ रहा है वो प्राइस में ओके है, मैं ऐसा बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई 15,000 रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा 5G फोन है। मैं आपको अगर डिस्प्ले की बात बता रहा हूँ, डिस्प्ले में एक चीज मेरे को बुरी लगी कि भाई इसमें HDR का सपोर्ट नहीं है, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, IPS होने के बावजूद भी क्वालिटी इज गुड, नो डाउट इन दैट। व्यू एंगल्स उतने कुछ खास नहीं है, अगर मैं आपको स्पीकर सुना दूं तो डुअल स्पीकर्स है इसके अंदर, नीचे वाले से थोड़ा ज्यादा आवाज आता है, ऊपर वाले से कम आता है, लेकिन काफी अच्छे स्पीकर्स है भाई, जो प्राइस में आ रहा है वो प्राइस में काफी सही लगा मेरे को। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो देखो टच किया खुल गया, फेस अनलॉक भी देखो, ये Xiaomi का फेस अनलॉक है तो एक सेकंड के आसपास लेता ही है। बाकी भाई इसके अंदर हमको MIUI 12.5 एनहांस्ड एडिशन देखने को मिलता है, एंड ये इसका बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है, मैं ये चीज बोलूंगा, इस चीज की वजह से ना जो पूरा फोन है वो काफी अच्छा और काफी फास्ट फील होता है, ये चीज मैंने डेफिनेटली आजमाया है। पता नहीं क्यों भाई अभी Xiaomi वाला बहुत अच्छा बन गया भाई इस चीज के मामले में, मतलब उसका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ओपन करना हो गया, क्लोज करना हो गया, अच्छे से चलता है एंड ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता भाई, फास्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर है, बहुत सारे 5G के बैंड में तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। 4G प्लस का आपको यहाँ पर साइन देखने को मिल जाता है, कैरियर एग्रीगेशन है, उसके बाद वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन भी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, एंड वियो वाईफाई वियो LTE एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन। मैंने कॉल वगैरह भी करके देखा, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, एंड जैसे मैं बता रहा हूँ भाई इसके अंदर डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर है, काफी फास्ट काफी अच्छा प्रोसेसर है भाई, नो डाउट, बट जो इसका स्कोर है CPU थ्रॉटलिंग का वो इससे कम आया है, विच इज वेरी वियर्ड, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इसमें 88 था, इसमें 77 हो गया, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये नोट 11T है, ये Poco है। Geekbench का भी स्कोर देख लो, Geekbench बल्कि
इसमें ज्यादा ही आया है। बाकी एंटूटू की बात करूं तो एंटूटू भी लगभग लगभग सिमिलर ही है, तो दोनों फोन एकदम सिमिलर ही है ऐसा समझ लो आप लोग। लेकिन ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस बोलूंगा डे टू डे टास्क में बहुत ज्यादा अच्छा है ये प्राइस रेंज में, मतलब 810 भाई मेरे को बहुत तगड़ा लगा था ये प्रोसेसर। तो लगभग 7 5G के बैंड है तो काफी सफिशियंट है भाई, फ्यूचर प्रूफ है। इस चीज के मामले में मेरे को काफी अच्छा लगा कि भाई 5G बैंड वगैरह में कंजूसी नहीं की गई है यहाँ पर। सो ओवरऑल भाई डे टू डे टास्क में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलता, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ओपन करना होगा क्लोज करना होगा बहुत फास्ट। अभी ये सब तो रैम में से लोड हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं सब इनको रिमूव कर देता हूँ, अभी भी रैम में ही है, देखो कितना फटाक से लोड हुआ। एप्लीकेशन वगैरह ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीटास्किंग भी डिसेंट है इसमें, रैम मैनेजमेंट वगैरह भी अच्छा है। बाकी अगर गेमिंग की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको सेटिंग्स दिखा दूँ तो देखो यहाँ पर बैलेंस पे अल्ट्रा है, HD पे हाई है, स्मूथ पे एक्सट्रीम की सेटिंग अवेलेबल नहीं है, विच इज वेरी वियर्ड। स्मूथ एक्सट्रीम होना चाहिए था, स्मूथ अल्ट्रा बेसिकली 40 FPS का गेमिंग होता है। एंड मैंने इसके अंदर ऑलरेडी, मतलब ये वाले फोन में मैंने ऑलरेडी गेमिंग की है तो ये मुझे पता है कि भाई इसका गेमिंग वगैरह अच्छा है। बाकी जैसे मैंने आवाज कम किया या बढ़ाया ना तो कट कट आवाज कम होता है वाइब्रेशन के साथ में, तो इसका वाइब्रेशन मोटर भाई बहुत ही ज्यादा लाजवाब है जो प्राइस में आ रहा है। लिटरली बता रहा हूँ ये प्राइस में इससे अच्छा वाइब्रेशन मोटर मेरे ख्याल से कोई भी फोन में नहीं है, मतलब शाओमी के अलावा, क्योंकि शाओमी वाला जो वाइब्रेशन मोटर देता ना वो काफी अच्छा होता है। By the way guys, OnePlus Nord CE की वीडियो लाइव हो गई। तो देखो अभी एक वीडियो शूट हो रही है, एक वीडियो लाइव हो गई, सोचो कितना ज्यादा मेहनत हो रही है यार। सब्सक्राइब बनता है यार, सब्सक्राइब कर दो, आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाने में ज्यादा मेहनत लगेगी, बस एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब करोगे तो अपनी फैमिली को होगी भाई और जबरदस्त वीडियोस मिलते रहेंगे आप लोगों को। जितना ज्यादा अपने पास सपोर्ट रहेगा ना आप लोगों का, उतना ज्यादा आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमको ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा ना। ओके गाइस, तो मैंने थोड़ा देर गेम खेला है एंड फोन का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं पड़ा भाई, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। तो ये चीज तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यूज किया है एंड मेरे को इसको यूज करने का एक्सपीरियंस है, मेरे को मालूम है भाई इसका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। तो ये चीज तो डेफिनेटली बोलूंगा भाई, परफॉर्मेंस वगैरह काफी ज्यादा लाजवाब है, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, 40 FPS की गेमिंग एकदम प्यार से करा देता है। मतलब 40 FPS के रेंज में बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि 60 FPS की गेमिंग बहुत अच्छी होती है, 40 FPS में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एंड जो डे टू डे परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा है। तो मतलब ये प्राइस रेंज में काफी सही परफॉर्मिंग फोन है और 5000 mAh बैटरी विद 33 W चार्जर, उसमें भी कोई भी इशू नहीं है कि मतलब भाई बैटरी वगैरह कोई इशू होने वाला है। जो फोन का जो प्रोसेसर है वो भी काफी एफिशिएंट है, तो बैटरी लाइफ भी बहुत जबरदस्त है। आपको प्रॉपरली जानना है तो वीडियो देख लेना भाई, इसका रिव्यू तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो भाई ये था ओवरऑल परफॉर्मेंस का टेस्ट, परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। बात करूं अगर कैमरे की तो भाई यहाँ पर हमको 50 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, बस दो ही कैमरा है पीछे के साइड में। फ्रंट में हमको 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है और वही कैमरा पूरा एकदम सेम टू सेम है। तो मैंने कुछ फोटोज वगैरह कैप्चर करी है गाइस, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। अगर डे लाइट में जो मेन कैमरा है वो काफी अच्छा फोटो दे रहा है, मतलब मेरे को ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड में डायनेमिक रेंज डेफिनेटली ड्रॉप हुआ है, डायनेमिक रेंज और अच्छी हो सकती थी। डे लाइट में मेन सेंसर से फोटो है, ये भी मेन सेंसर का फोटो है, तो मेन सेंसर काफी अच्छा काम करता है, नो डाउट इन दैट। बट जो अल्ट्रा वाइड है वो थोड़ा सा क्वालिटी डेफिनेटली गिरा देता है। बाकी ये मेन सेंसर है, मेन सेंसर की शार्पनेस वगैरह अच्छी है, ओवरऑल डिटेल भी डिसेंट है। अगर आप अच्छे लाइटिंग में लोगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये मेन सेंसर से फोटो है, पीछे वाले ये भी मेन सेंसर का फोटो है, ये मेन सेंसर से पोर्ट्रेट मोड में है, तो शार्पनेस वगैरह काफी मस्त है, स्किन टोन्स वगैरह भी अच्छे से मेंटेन किया, तो मेरे को अच्छा लगता है। मतलब मेन सेंसर का फोटो आपका एवरेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, बट जो अल्ट्रा वाइड है वो उतना खास नहीं है, मतलब काम चल जाता है। ये फ्रंट फेसिंग कैमरा गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी काफी अच्छा है, बट वही थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग इशू यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया था हर बार ये Xiaomi के फोन में रहता है। सो गाइस ये कुछ वीडियोस भी आप लोग देख लो। सो गाइस ये रियर फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 60 FPS में। अभी देखो इधर काफी ज्यादा उजाला है, अंदर भी लाइट चालू है, तो कुछ इस तरह की वीडियो बनती है अगर उजाला अच्छा खासा होता है। 60 FPS में फोकसिंग का थोड़ा सा इशू है, ये मैं बोलूंगा, देखो बराबर फोकस नहीं कर रहा। सो ये 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p में, और 4K का तो रिकॉर्डिंग है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन जो 1080p में फोकसिंग वगैरह है वो बहुत अच्छे से होती है, तो ये अच्छा है। बट ओवरऑल कुछ इस तरह की वीडियो गाइस बनती है अगर आप 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड करते हो। बाकी ये फ्रंट फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 30 FPS में। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मेरे को तो स्किन टोन वगैरह अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं पीछे के साइड देखो, पीछे के साइड में लाइट है, सामने भी मेरे एक लाइट है, तो एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की वीडियो बनती है भाई इसके अंदर 1080p 30 FPS में। तो ओवरऑल मेरे को कैमरा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, काम चल जाता है, अबव एवरेज कैमरा बोलूंगा ये प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी और डिटेल्स जानना है इस फोन के बारे में ना गाइस, तो मैंने ये Redmi Note 11
T5G जो है का फुल रिव्यू किया एकदम अच्छे से टेस्ट करके, ट्राइकर्ड में लिंक दे दूंगा आप लोग, अगर वो देख लोगे ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि फोन ये एक्चुअल में है क्या। सो या गाइस, ये था अनबॉक्सिंग एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस पोको M4 Pro 5G। ये एक्चुअली मैं मेरे को एक डेफिनेटली बोलूंगा कि भाई सस्ता तो बड़ा कंपेयर टू द रेडमी नोट 11 उससे थोड़ा सा है, तो ये एक एडवांटेज है। उसके अलावा बहुत ही ज्यादा सिमिलर फोन है तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बट मैं ये चीज बोलूंगा भाई काफी फ्लैशी फोन है एंड अच्छा फोन है। अगर आपने पहले रेडमी नोट 11 टी नहीं लिया तो आप ये वाला फोन कंसिडर कर सकते हो बजट में, काफी अच्छा 5G फोन मेरे को पर्सनली लगता है क्योंकि मैंने यूज किया है तो मेरे को मालूम है भाई इसका जो ओवरऑल MIUI का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बेटर है पहले के कंपैरिजन में, तो मुझे पसंद आया, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ हाँ एक अच्छा फोन है ये। तो इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।